सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है और आप सभी का मेरे इस अन्य ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं जानकी सेतु पुल, मैं और मेरी वाइफ। क्योंकि दोस्तों, पिछली बार की जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप लक्ष्मण झूला जा सकते हैं, तो दोस्तों उसमें मैं आपको बता नहीं पाया प्रॉपर तरीके से कि आपको लक्ष्मण झूला कैसे जाना। एक्चुअल में जो लक्ष्मण झूला का जो ब्रिज है उसमें टू व्हीलर जो गाड़ियाँ उनके लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया, केवल आप पैदल ही जा सकते हैं। तो उसमें मैं सॉरी बता नहीं पाया क्योंकि उसमें मेरे को वापसी आपका राम झूला पुल से आना पड़ा था। सो अभी हम जा रहे हैं जानकी सेतु पुल। और दूसरा, आज आपको बता दूं कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, आज है कृष्ण जयंती, यानी आज जन्माष्टमी है। और दूसरा बहुत ही लकी डे है आज मेरे लिए। सो गाइस, गैस कीजिए दूसरा क्या इम्पोर्टेंट डे हो सकता है मेरे लिए। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरा इम्पोर्टेंट डे है, आज मेरा जन्मदिन है। मैं बहुत लकी हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है। दूसरा, हम जाने वाले वहाँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आप वहाँ जा सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आप हरिद्वार से आ रहे हैं, यानी आप अगर हरिद्वार से ऋषिकेश को आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट हरिद्वार वाली रोड पे, यानी जो नेशनल हाईवे है ऋषिकेश के लिए, उस पे आए हैं, सबसे पहले आपका पड़ेगा कोलघाटी। कोलघाटी के बाद आपको पड़ेगा मेन मार्केट ऋषिकेश, उसके बाद पड़ेगा आपका चंद्रभागा। चंद्रभागा के बाद पड़ेगा आपका 14 बीघा, यानी 14 बीघा कैलाश गेट, और कैलाश गेट के बाद पड़ेगा आपका मुनि की रेती, और मुनि की रेती के बाद पड़ेगा आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी मुनि की रेती से ये पुल स्टार्ट हो जाएगा, जो मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम के मध्य में ये बना हुआ ये पुल है, जो आपका टेरी गढ़वाल से लेकर पौड़ी गढ़वाल को आपको जोड़ता है। सो गाइस, आज हम वहाँ जाएंगे और वहाँ खूब सारी फ़ोटो खींचेंगे और खूब सारा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और हम वहाँ जाने वाले हैं। सो गाइस, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पुल है, ये पुल आपका लक्ष्मण झूला और राम झूला से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये 346 मीटर लंबा ब्रिज है, और जिसमें आपका थ्री वे हैं, यानी एक साइड से आप जा सकते हैं, एक साइड से आप आ सकते हैं। और जो इस पुल का, यानी जो आपका जानकी सेतु ब्रिज है, उस ब्रिज का जो मध्य में जो सेंटर में जो जाने का रास्ता, वो केवल पैदल चलने वाले के लिए है। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारी अच्छी लोकेशन है जहाँ पर आप अच्छे से फ़ोटोशूट कर सकते हैं। गाइस चलिए, गाइस चलते हैं जानकी सेतु ब्रिज। यह आपका नाइट व्यू है राम सेतु पुल का, ये लाइटें खुल चुकी हैं पूरी, ये देखिए। यह आपका स्वर्गाश्रम है। सो फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं अपने घर में। अभी बज रहे हैं रात के 8 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो गए हम, क्योंकि हम निकले थे 5 बजे, अब बज गए हैं रात के 8।
सो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको तुरंत आपके फ़ोन में पहुँच जाए। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।